अभय प्रशाल ने 7 से 13 अगस्त तक रीजनल एशियन होप्स का टेबल टेनिस ट्रेनिंग कैंप आयोजित हो रहा है जी। जिसके अंदर 9 देशों के लगभग 24 खिलाड़ी और 13 प्रशिक्षक ये यहाँ पर इस कैंप के अंदर भाग ले रहे हैं। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता जो है, ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का एक एम्बिशियस प्लान है जी। जिसके माध्यम से भारतीय टेबल टेनिस महासंघ और मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ ने संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया, जिसके अंदर कम उम्र के बच्चे, जो लगभग 12 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं, उनको टारगेट किया है कि उनको पिक करके उनको इंटरनेशनली कैसे ग्रूम किया जाए और उनके परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट आए। और ये जो कोशिश है, ये किसी कंट्री के बेनिफिट के लिए, ये पूरे एशियन रीजन के बेनिफिट के लिए है। तो इसमें जर्मन प्रशिक्षक इवा जेलर यहाँ पे आई है, जिनके साथ में भारत की जो सबसे प्रमुख महिला खिलाड़ी है मोनालिसा बरुआ मेहता, वो अर्जुन अवार्डी भी है, वो स्वयं नेशनल चैंपियन रही है, वे बच्चों को विशेष रूप से प्रशिक्षण देने यहाँ आई है। उनके साथ में हर जो देशों से खिलाड़ी आए उनके यहाँ से कोचेस और भारतीय कोचेस ये मिलके ये ट्रेनिंग कैंप होता है, जिसमें बच्चों को प्रशिक्षण देने के साथ उनके कोचेस को भी ट्रेन किया जाता है कि इनको भविष्य में आगे किस तरह से ग्रो ट्रेनिंग दे। ये प्रयास एक 2 वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने चालू किया था, जो हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस इवेंट में ईरान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, लेबनान और थाईलैंड, श्रीलंका, भारत, इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाड़ी भी इस कैंप के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। शिविर 13 अगस्त तक चलेगा और सभी खिलाड़ियों के रहने और खेलने की सारी सुविधाएं अभय प्रशाल स्टेडियम के अंदर ही की गई है। क्योंकि जिस तरह से पिछले वर्षों में हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं का आयोजन हुआ, निश्चित तौर पर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने इसको नोटिस किया है और उन्होंने महसूस किया कि हम यहाँ पर हमारे ट्रेनिंग का एक हब बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में हम यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां कराते हैं। अब हमारा प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इस तरह के कैंप आयोजित कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी टीम है जो कि इस तरह के कैंप को बहुत बेहतर ढंग से हम इसको संचालित कर सकते हैं। भारत के जो जूनियर वर्ग के 8 कैडेट वर्ग के 8 खिलाड़ी हैं, टॉप 8 प्लेयर वो खेल रहे हैं। उसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलता है, उनको भी इन खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिलता है। हमारी जो राष्ट्रीय सितारा खिलाड़ी अनुषा कुटुम्बले है, वो इस कैंप में भाग ले रही है। साथ ही कोचेस ने खुद ने महसूस करते हुए जिन प्लेयर्स को इस कैंप में खेलने का मौका दिया, उसमें से रोहन जोशी हैं, प्रतीक जोशी हैं, इनको भी इस कैंप में खेलने के लिए उन्होंने अवसर प्रदान किया। 13 टेबलों पर 2 सत्रों में ये अभ्यास चल रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मॉर्निंग सेशन रहता है और आफ्टरनून सेशन 3:30 बजे से 6 बजे तक रहता है। हाँ, सीनियर लेवल के तो ऑलरेडी हम जो इवेंट करते हैं उसमें आ ही रहे थे, लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके लिए ये बहुत सही प्लेटफॉर्म ITTF ने स्टार्ट किया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम और भी कैंप इंदौर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।